बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन आर प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेलवर डिसऑर्डर्स। नाउ विद द कंटिन्यूशन ऑफ दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद स्ट्रक्चरल इन्फेक्शियस एंटी इन्फ्लेमेटरी कार्डिक डिसऑर्डर्स। फर्स्ट वी अंडर इन आर फिजियोलॉजी लेक्चर विच यू हैव स्टडीड इन फर्स्ट ईयर दे आर द डिफरेंट हार्ट साउंड्स दैट इज द S1 साउंड्स which is also known as the loop and the S2 sound which is also known as the dope sounds. The S1 and the S2 sounds are produced when there is a closure of the atrioventricular valves and the closure of the aortic valves and the pulmonary valves. When there is a disturbance and there is an anatomical problem in this wall, these sounds are not clearly audible. The other sound which heard by stethoscope, there is a rapid ventricular filling. During the rapid filling, ventricular filling, there is an S3 sound. It is also known as the gallop sound. It is heard by when it is lying on the left side, when the patient is lying on the left side and we auscultate through the stethoscope. Then there is an S4 sound which is that is heard during the atrial contraction. So this is the normal sound of the heart. Now we, with the continuation of this normal sound, we discuss about the abnormality of the heart. This is known as the cardiomyopathy. Cardio mean health, myo mean muscles, and pathy mean abnormality. The cardiomyopathy is a series of the progressive events that accumulates in impaired cardiac output and can lead to the heart failure, sudden death or dysarrhythmias. मतलब अगर हमारे पास जो हार्ट के वॉल्स हैं अगर इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, लास्ट टाइम आपने पढ़ा कि अगर ये हमारे पास कोई स्टेनोसिस होगा या रिगर्गिटेशन होगा तो या तो होगा तो पूरा जो ब्लड है वेंटिकुलर से आपके पूरे एरोटा में नहीं जाएगा हमारे पास ये, या फिर एट्रिया से वेंटिकुलर में सही तौर पर वो ट्रांसफर जो ब्लड है वो नहीं होगा। तो इन एबनॉर्मेलिटी की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो वहाँ पे हार्ट के जो मसल्स हैं वो सही तौर पर काम नहीं करेंगे, तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम आएगी वो डिसरिदमियाज़ को कॉज करेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ अरिदमियाज़ को कॉज करेगी, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कार्डियोमायोपैथी, देर इज द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ए रिदमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी एंड अनक्लासिफाइड कार्डियोमायोपैथी। देयर नेम्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू देयर पैथोलॉजी। इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी there is an increased atrial chamber size and increased ventricular chamber size and decrease muscle size आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यानी जो हमारे पास एट्रिया और वेंटिकुलर के दरमियान जो मसल्स हैं इनके साइज़ कम हो जाएंगे, लेकिन जो वेंटिकुलर और एट्रिया के साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, एनाटोमिकल चेंज। फिर हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा, जो मसल्स के साइज़ इंक्रीज़ कर जाएंगे जबकि जो चैम्बर है वो कम हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम मैनेजमेंट इसकी कैसे करेंगे, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है जिसमें हम डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे हमारे पास, ठीक है। और मैनेज में कार्डियोमायोप्लास्टी या फिर हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है अगर हम हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो एक तो रिजेक्शन है जिसमें प्री एक्यूट रिजेक्शन है, एक्यूट रिजेक्शन है और क्रॉनिक रिजेक्शन है। इन्फेक्शन हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके लिए हम मेडिसिन जो देंगे वो साइक्लोस्पोरिन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को देंगे। स्टेरॉइड फ्रॉइड एमिनो सप्रेशन बेनिफिट प्रिवेंट द लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी एंड देर इज अनदर प्रोटोकॉल विच आर यूज फॉर द डिजीज, देर इज एन साइक्लोस्पोरिन, सोलोमिड्रॉल एंड द प्रेडिसलोन। ये हमारे पास स्टेरॉइड्स मेडिसिन देंगे अगर पेशेंट को हमारे पास, अगर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या कोई भी हमारे पास ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अगर पेशेंट को इससे एलर्जी हो जाए हमारे पास डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम, तो पेशेंट को स्टेरॉइड्स मेडिसिन देंगे। और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जो ट्रांसप्लांट की वजह से हो सकती है वो हमारे पास आपकी बुक में एक पूरा प्रोसेस दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन का ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा नर्सिंग प्रोसेस आपने अपनी बुक से रीड करना है कि ट्रांसप्लांटेशन में नर्सिंग क्या क्या हमारे पास असेसमेंट क्या करेगी बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, इंडिकेशन क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। और सारा नर्सिंग डायग्नोसिस ये आपकी असाइनमेंट है, आपने परसों वेनसडे वाले दिन ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है हमारे पास, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का नर्सिंग प्रोसेस जिसमें पूरी इसकी असेसमेंट डायग्नोसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। अब हार्ट ट्रांसप्लांटेशन अगर करते हैं तो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, एक तो हाइपरटेंशन है, लेट कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगी हमारे पास, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपरलिपिडेमिया है, बोन डिजीज़ है और डिफरेंट तरह की डर्माटोलॉजिकल एंड द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ द हार्ट। एनी ऑफ द लेयर ऑफ द हार्ट मे बी अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शियस प्रोसेस, डिजीज आर नेम्ड बाय द लेयर ऑफ द हार्ट दैट इज अफेक्टेड, डायग्नोसिस मेड बाय द पेशेंट सिम्टम्स एंड द इकोग्राम।
सिलसिले में ब्लड ब्लड का कल्चर भेजेंगे, तो ब्लड का कल्चर करके डिफरेंट तरह के एंटी माइक्रो जो हमारे पास बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करेंगे हमारे पास, ठीक है। देन द पेशेंट नीड टू बी इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ द अप्रोप्रिएट एंटी माइक्रोबियल थेरेपी टीचिंग रिगार्डिंग अबाउट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड द हेल्थ प्रमोशन। द फर्स्ट डिजीज देर इज रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस मीन इनर लेयर ऑफ द हार्ट एंड देर इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, दिस इज नोन एज द रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस आ जाते हैं। अगर मोस्ट ऑफ इन द स्कूल ए चिल्ड्रन आफ्टर ग्रुप बीटा हिमोलिटिक स्टेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस की वजह से इंजरी टू द हार्ट टिश्यू कॉज बाय द इन्फ्लेमेशन सेंसिटिव रिएक्शन टू द स्टेप्टोकोकाई। इन दिस डिजीज देर इज एन पैथोफिजोलॉजी रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस इंपेयर्ड कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन ऑफ द मायोकार्डियम थिकनिंग ऑफ द पेरिकार्डियम एंड द वेल्वर डैमेज नीड टू प्रॉपरली रिकग्नाइज ट्रीट द स्ट्रिप थ्रोट टू प्रिवेंशन ऑफ द रोमैटिक फीवर। अच्छा, एंडोकार्डाइटिस में होता क्या है कि पहले आपको थ्रोट का इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। थ्रोट का इन्फेक्शन आपका गले का हमारे पास, ठीक है, आपको थ्रोट इन्फेक्शन से हो जाती है, सोर थ्रोट होगा हमारे पास, डिस्पेजिया हो जाएगा, फीवर रहेगा, ऑन एंड ऑफ रहेगा, तो यही इन्फेक्शन है वो ट्रैवल करता करता आपके हार्ट के मसल्स को इफेक्ट करेगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या होगी, पेशेंट आपके साथ किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, टैकीकार्डिया, कार्डियोमेगाली, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन, रिब्स आप ऑस्कल्टेट करेंगे, ईसीजी में चेंजेस आएंगे और फिर इंडिकेशन ऑफ द हार्ट फेलियर की तरफ चला जाएगा। फिर हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सर्फिस ऑफ द हार्ट एंड इट इज यूजली डेवलप इन द पीपल विद द प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व एंड द स्ट्रक्चरल कार्डिक इफेक्ट आल्सो इकर इन द पेशेंट हु आर आईवी ड्रग जो एब्ज्यूजर जो लेते हैं वो। इसमें डिफरेंट तरह की टाइप्स है, एक्यूट एंड सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ जाती है। अब हमारे पास जो रोमैटिक फीवर, इसको हम किस तरह असेस कर सकते हैं और इसमें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। हमारे पास रोमैटिक फीवर इज अ प्रिवेंटेबल डिजीज, आइडेंटिकेटेड रोमैटिक फीवर वुड इलिमिनेट द रोमैटिक हार्ट डिजीज। इसमें पेशेंट को हम पेंसिलिन थेरेपी देंगे हमारे पास, ठीक है, और इसके जरिए प्रिवेंट थ्रोट कल्चर भेजेंगे हमारे पास, जिससे हमें डायग्नोज हो जाएगा कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करा है हमारे पास, ठीक है। स्टेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस से पेशेंट को साइनस सिम्टम्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट को ऑन एंड ऑफ, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहेगा, चील होगा, सोर थ्रोट होगा हमारे पास, ठीक है, और यही इन्फेक्शन आपका ट्रैवल करता करता आपके हार्ट के मसल्स को इन्फेक्ट करेगा। अब पेशेंट जो हमारे पास बच्चे हैं इनमें एब्डोमिनल पेन हो जाएगी, हमारे साइनसाइटिस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। रिस्क फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्व्स, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रोस्थेटिक कार्डिक वाल्व्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ द बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, मॉडरेट रिस्क कौन कौन से हैं, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, एक्वायर्ड वैल्वुलर डिसफंक्शन आ जाते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट मर्मर के साथ, हार्ट फेलियर के साथ, एट्रियल एम्बोलिज्म के साथ आएगा हमारे पास, ठीक है। मेडिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट को एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे, रेस्ट पेशेंट को स्पॉटी थेरेपी और फिर एंटीकोएगुलेटिंग थेरेपी देंगे। नर्स ने क्या करना है कि जो पेशेंट को डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है मेडिसिन, उसको हमारे पास टाइमली मेडिसिन देनी है, रेस्ट को करना है हमारे पास प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स देनी है, एजुकेशन बताना है कि हमारे पास पेशेंट को सूखा ही है, हमारे पास थ्रोट का इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को ओरल केयर के बारे में बताना हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट लेवल ऑफ द रेस्ट डेट में भी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट पेशेंट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में इन्फ्लेमेशन और अल्टरेशन ऑफ द पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन सैक डेट क्लोजेज द हार्ट, जो आउटर लेयर है जो हार्ड है इसकी हमारे पास अगर इन्फ्लेमेशन, तो इन्हें पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इट इज आल्सो अफेक्टेड बट द एंडोकार्डाइटिस रिजल्ट इन परमानेंट चेंज इन द वाल्व्स आ जाते हैं। द स्ट्रक्चर इन दिस डायग्राम यू कैन सी हाउ द स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर इन पेशेंट विद पेरिकार्डाइटिस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी आउटर लेयर जो होती है इसमें सारा स्ट्रक्चर चेंज, जब आउटर लेयर चेंज होगा तो इनर लेयर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। नर्सिंग असेसमेंट में पेशेंट को क्या होगी, सबस्टर्नल पेरिकार्डियल पेन होगी, ग्रेटिंग ऑप्रेसिव पेन, वर्सन बाय द स्पाइन पोजीशन, पेरिकार्डियल इन्फ्लेक्शन रिब होगी। मैनेजमेंट ऐसे में पेशेंट को होगा, हॉस्पिटलाइज होगा पेशेंट को, हमारे पास एंटीबायोटिक्स देंगे, स्टीरॉइड्स देंगे, पेन किलर देंगे हमारे पास, ठीक है, और यूरोमिकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटोमेट्री देंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बट इज द कार्डिक टेम्पिनॉइड या पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जब हमारे पास हार्ट की आउटर लेयर इनर लेयर किसी में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वहाँ पे पस एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक टेम्पोनाइड। द कार्डिक टेम्पोनाइड इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस रिजल्टिंग इन रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग एंड सब्सिक्वेंट हीमोडायनामिक कॉम्प्रोमाइज। द कंडीशन इज अ मेडिकल इमरजेंसी, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच इज इंक्लूड पल्मोनरी एडिमा, शॉक एंड डेथ। And extreme, the cardiac tamponitis is increased emergency, increased fluid volume, hemodynamic monitoring, pericarditis, और patient जो होती है वो हमारे पास pericarditomy करते हैं हमारे पास, ठीक है। यानी जो outer layer है अगर वही हमारे पास इसमें fluid हो जाए तो इसकी वजह से जो ventricular की filling है वो सही तौर पर नहीं होगी। Causes क्या हो सकती है हमारे पास cardiac tamponitis, malignancy, patient को बैकअप पे कोई चल रही है, HIV infection है patient को,
यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हुई है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, फिर हमारे पास यहाँ फिर पेशेंट को कोई और भी सर्जरी हुई भी है हमारे पास, ठीक है, इसोफेगस की वजह से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है हमारे पास, कार्डिक टेम्पोनॉइड के हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया पेरिकार्डियम में, वेंटिकुलर फिलिंग इम्पेयर्ड होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। की फीचर द पेशेंट विद कार्डिक टेम्पोनॉइड, देयर इज एन पल्स पैराडॉक्सिस है, इसमें बैक ट्राइड इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेट है, इसमें बैक ट्राइड है जिसमें पेशेंट को हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड होगी और इंक्रीज JVP आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देर इज बैक ट्राइड इज द कलेक्शन ऑफ द थ्री मेडिकल साइन एसोसिएटेड विद एक्यूट कार्डिक टेम्पोनाइट एंड एमरजेंसी कंडीशन, दिस साइन इंक्लूड लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, डिस्टेंडेड नेक वेन एंड मफल्ड हार्ट साउंड। वैसे भी आपको वाइबे में भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द बैक ट्राइड इन कार्डिक टेम्पोनाइट और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक टेम्पोनाइट, तो आपको बैक ट्राइड को पता होना चाहिए कि ऐसे पेशेंट जिसमें कार्डिक टेम्पोनाइट इसमें लो एट्रियल प्रेशर होता है, डिस्टेंडेड नेक में JVP रेस होगी, साथ में पेशेंट को जब स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करेंगे तो मफल हार्ट साउंड आ जाएगी। देयर इज एन हाइपोटेंशन डायग्राम में आप भी नजर आए तो पेशेंट को क्या होगी हमारे पास, हाइपोटेंशन, जुगलर वीनस डिस्टेंशन, JVP पेशेंट की रेज और मफल्ड हार्ट साउंड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जबकि जो हमारे पास निमोथोरक्स है इसमें क्या होगा, हाइपोटेंशन, जुगलर वीनस डिस्टेंशन, एब्सेंट हार्ट साउंड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो दोनों में जो बैकर जो हमारे पास निमोथोरक्स में और जो कार्डिक टेम्पोनाइट है, वैसे भी निमोथोरक्स में क्या होगा हमारे पास एयर फील्ड आ जाएगी, जबकि कार्डिक टेम्पोनाइट में फ्लूइड फील्ड आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, आउटर लेयर में। तो साइन एंड सिम्टम्स जो होती है वो हमारे पास निमोथोरक्स और जो कार्डिक टेम्पोनाइट की सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो आपको कोई साउंड नहीं आएगी निमोथोरक्स में, जबकि जो हमारे पास कार्डिक टेम्पोनाइट इसमें मफल्ड हार्ट साउंड आएगी। नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट के हमारे पास वाइटल्स मॉनिटर करने हैं, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का, जो ऑरियंटेशन वगैरह, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है, एनजाइटी को रिलीव करना है हमारे पास, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है पेशेंट को और फिर पेशेंट की कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट करनी है हमारे पास। ये पूरा आपकी बुक में दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस इसको आप करना है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे पेशेंट को, IV फ्लूड मॉनिटर करें, एंटीबायोटिक्स देंगे और फिर आर्टिफिशियल करेंगे हमारे पास पेशेंट को, अगर ऑक्सीजन की नीड हो तो सेचुरेशन के अकॉर्डिंग देंगे। द मेन एम ऑफ द क्लाइंट विद कार्डिक टेम्पोनाइट इज सेव द पेशेंट लाइफ, इंप्रूव द हार्ट फंक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स आ जाती है। द अदर प्रॉब्लम विच इज एसोसिएटेड विद द हार्ट, देयर इज एन थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म इज कॉजिंग ब्लॉकेज इन ड्राइव फ्रॉम द थ्रोम्बस, देयर इज एन पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म एंड द सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। पल्मोनरी, अगर हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपने पढ़ा देयर इज अ टू टाइप ऑफ द सर्कुलेशन, देयर इज एन पल्मोनरी सर्कुलेशन which regulate the deoxygenated blood from all of the body to the lungs, and there is systemic circulation which circulate the oxygenated blood to the from aorta to the whole of the body. So when there is an obstruction between the pulmonary circulation, the thrombus break off and goes to the right ventricle, from there is an pumped out to the lungs and block the pulmonary artery. The problem at first is not ischemia part, but it instead this is blood is not oxygenated and not returned to the heart as it is. So it causes the systemic ischemia. There is a systemic thromboembolism originate the left ventricle and the wall of the aorta break off and cause the infarction at the distant sides. The problem of thromboembolism is called the cardiac arrest. Cardiac arrest, the cessation of the normal circulation of the blood due to the failure of the heart to contract effectively. The medical person can refer to an unexpected cardiac arrest as a sudden cardiac arrest. The heart stop pumping, in cardiac arrest there is a heart stop pumping and blood does not flow around the body and oxygen does not reach to the brain. Before person has a cardiac arrest there is a heartbeat abnormal, sometime maybe what even there is a happened every cardiac arrest. There is a classification of the cardiac arrest are classified on the basis of the ECG, arrhythmias, there is a shockable ventricular fibrillation and the pulseless ventricular tachycardia and the non-shockable asystole and the pulseless electrical activities. There is a pathophysiology of cardiac arrest. In cardiac arrest, there is no blood flow and oxygenation. Brain sustained damage for the 4 minutes and after 7 irreversible damage. After 1 to 2 hours, there is a cell of the diet. There is need for the CPR, cardiopulmonary resuscitation, and the blood is manually forced to circulate the brain to the heart. There is enough oxygen to the brain till end the death and always lead to the remain irresponsive till the defibrillation. The sign and symptom of the patient with the most reliable sign, there is an absence of the pulse, unconsciousness, no breathing, no blood pressure, and ultimate there is a death of the patient is appear as a death like appearance.
ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट देर देन चेन ऑफ द सर्वाइवल देर इज एन अर्ली असेस. सबसे पहले कार्डिक अरेस्ट में पेशेंट का अपने फॉरन पेशेंट की ECG करवाने के लिए असेसमेंट करनी है, हेड टू टो सर्वे करना है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं. अर्ली असेस करने के बाद पेशेंट का CPR स्टार्ट करना, देन द पेशेंट को आपने डिफिब्रिलेशन करने स्टार्ट कर देना, पेशेंट को आपने इलेक्ट्रिकल करंट देना जितने नहीं दे, और फिर पेशेंट की लाइफ सपोर्ट जो होती है वो आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो होती है वो स्टार्ट कर देनी है. Then that there is a trauma repair. The patient who have unsustained non-penetrating injury and penetrating injury cause the cardiac trauma and often do not survive to the treatment. So इसमें patient को repair की ज़रूरत है. Then cardiac hemodynamics. Basic function of the heart is pump the blood. The heart ability to pump is measured by the cardiac output. The amount of the blood pump in 1 minute is 5 to 6 liter. The cardiac output usually calculated cardiac output is peripherally multiplied with the stroke volume. When there is a disturbance in the stroke volume, the cardiac output is decreased. Invasive assessment of the cardiac tamponade is important. The important method for evaluating the component of the stroke volume is in hemodynamic unstable patient is pulmonary artery catheter, which is used to obtain the hemodynamic data essential for the diagnosis. So, stroke volume ko assess karne ke liye hum pulmonary artery catheter use karte hain. The pulsatile change in the pressure are converted into the electrical signal which are displayed as a waveform on the monitor. Ye aapko diagram mein nazar aa raha hai ki hamare paas pulmonary artery catheter ko hum kis tarah use karte hain hamare paas stroke volume ko check karne ke liye hamare paas, theek hai. To isme jo bhi changes aayenge wo ECG mein hame changes nazar aa jayenge. Hemodynamic multiple pulmonary artery catheter ka ye procedure bataya hua hai ki kis tarah humne patient ko lagana hai hamare paas, theek hai. और मशीन पल्मोनरी कैथेटर लगाना है हमारे पास, ठीक है. और साथ में उसके क्या क्या नर्सिंग एक्शन आपने परफॉर्म करने हैं हमारे पास. हीमोडायनेमिक अब नॉर्मली हमारे पास आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर्मली राइट टू लेफ्ट साइड के नॉर्मल वैल्यू क्या है. प्री लोड नॉर्मल कहते हैं हमारे पास, ठीक है. CVP 0 to 8 millimeter ऑफ द मर्करी आ जाते हैं. आफ्टर लोड नॉर्मल वैल्यू 20 to 120 आ जाते हैं. कैसे कैलकुलेट करते हैं हमारे पास, ठीक है. तो ये वैल्यू आपको फार्मूला दिया हुआ है, इसको आपको पता होना चाहिए हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करते हैं. थैंक यू. दिस इज़ ऑल अबाउट द abnormality of the heart.